हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी.फार्मा 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स फार्मेसी प्रैक्टिस, एनडीबीएस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारी रह गई थी। तो एनडीबीएस, फार्मेसी प्रैक्टिस और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के वीडियोस कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, और अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट 4 और 5 यूनिट के कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो हम उनको अब कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम देखेंगे यूनिट 4 का पार्ट 4। इसमें देखेंगे टॉपिक हमारा 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये मोटोरोला कंपनी के कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने बनाया था। अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ जो वर्किंग इन मोटोरोला 1989 में इन्होंने डेवलप किया था 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। इससे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इसके लिए इसका यूज किया जा रहा था। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है? 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट इज ए सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मतलब इसमें डिफरेंट टेक्निक मिलके एक प्रोसेस, जो प्रोडक्ट की प्रोसेस होगी, उसकी क्वालिटी की प्रोसेस होगी, उसको इंप्रूव करेंगे। ए 6 सिग्मा प्रोसेस इज वन इन विच 99.9996 ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट। मतलब इसमें 99.996% प्रोडक्ट को इंप्रूव, क्वालिटी को इंप्रूव करने की एबिलिटी होती है। अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस सम फीचर ऑफ पार्ट आर स्टैटिकली एक्सपेक्टेड टू बी फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट को फ्री ऑफ डिफेक्ट्स बना सकते हैं इस सिस्टम को यूज करके। 6 सिग्मा इज ए स्टैटिकल कॉन्सेप्ट और क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड। यह कॉन्सेप्ट है और क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड है, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए प्रोसेस और प्रोडक्ट। मतलब एक तो प्रोसेस हो गई जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की है, और एक इसमें जो कोई डिफेक्ट्स आ रहा है उसके लिए इसको यूज करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो 6 सिग्मा इज ए स्टैटिकल कॉन्सेप्ट और क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए प्रोसेस और प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ डिफेक्ट ऑफ 6 सिग्मा लेवल। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। एक मिनट। इसमें एक चार्ट दे रखा है जिससे कि डिफेक्ट्स पर मिलियन और यील्ड, कितना यील्ड हो रहा है। अगर इतने डिफेक्ट हैं तो इतना यील्ड हो रहा है, इतने हैं तो इतना। इनको 6 कॉलम्स में डिवाइड किया गया, इसीलिए इसको 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे 3.4 अगर यहाँ पर होगा तो चैंपियन होगा, 230 होगा तो इसको मास्टर बेल्ट बोलेंगे, 6.210 होगा तो ब्लैक बेल्ट हो गया, 66,000 800 हो गया तो ग्रीन बेल्ट हो गया, 3,08,000 हो गया तो येलो बेल्ट हो गया, 6,90,000 हो गया तो ये व्हाइट बेल्ट हो गया। तो इसमें जो चैंपियन बेल्ट होगा उसमें यील्ड होगा 99.9996%। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट की, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी। मास्टर बेल्ट 99.977% और जो ब्लैक बेल्ट होगा वहां पर होगी 99.38%, और जो ग्रीन बेल्ट होगा 93.32, येलो बेल्ट होगा 69.15, एंड 30 जो व्हाइट बेल्ट होगा, लास्ट जो हमारा एंड होगा 30.85%। यहाँ पर ये होगा क्वालिटी में। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ये एनहांस करेगा लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है कंपनी में और जो इसके प्रोडक्ट्स पे, उसको इंक्रीज करेगा एंड रिड्यूस करेगा डिफेक्ट्स को। डिफेक्ट्स रिड्यूस होंगे तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। इट कंट्रोल वेरिएशन एंड इम्प्रूव प्रेडिक्टेबिलिटी। ये वेरिएशन जो चेंजेस वगैरह आते हैं क्वालिटी और प्रोडक्ट में, उनको इंप्रूव करेगा और कंट्रोल करेगा। अब देख लेते हैं इसकी मेथोलॉजी क्या है। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, मेथोलॉजी ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। मेथोलॉजी ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट इंक्लूड द की प्रोसेस सच एज DMAIC और DNADB। ये टू टाइप के इसकी प्रोसेस है, सिक्स सिग्मा DMAIC प्रोसेस और DNDB। इसमें डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर डिजाइन वेरीफाई है और वहां पर इम्प्रूव एंड कंट्रोल है। तो देख लेते हैं, डी का मतलब है डिफाइन, एम का मतलब है मेजर एंड एनालिसिस एंड इम्प्रूव कंट्रोल, और यहाँ पर डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, डिजाइन, वेरीफाई। तो इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक साथ ही दोनों को पढ़ लेते हैं। डिफाइन में क्या आएगा, डिफाइन द कस्टमर एंड देयर क्रिटिकल टू क्वालिटी इशू, मतलब कस्टमर्स को डिफाइन करेगा कि उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या इशू आ रहे हैं एंड द बिजनेस प्रोसेस, देयर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस। सेकेंड है मेजर, इसमें क्या करेंगे, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, जो प्रोसेस चल रही है बिजनेस की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उस प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग वे एंड डेवलपिंग डाटा कलेक्शन प्लान फॉर द प्रोसेस। इसके बाद इसमें प्लान सेटअप करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो भी मेजर किया गया है बिजनेस प्रोसेस में। देन एनालिसिस, जो डाटा कलेक्शन किया गया था मेजर्स में उनको डिटरमाइन करेंगे और कोज, जो रूट ऑफ कोज है डिफेक्ट्स के, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ है इम्प्रूव, इम्प्रूव में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट फैक्ट, फिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ टारगेटिंग बाय डिजाइन, क्रिएटिव सॉल्यूशंस इन फॉलोइंग वे डेवलपिंग, मतलब जो फिक्स प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिफेक्ट अपन को पता चल गया है, फिक्स हो गई है, उसको इम्प्रूव करेंगे। देन कंट्रोल, ये हमारा इसी का चल रहा है। 5 हो गए, कंट्रोल द इम्प्रूवमेंट, मतलब जो इम्प्रूवमेंट किया है प्रोडक्ट की प्रोसेस में और क्वालिटी मैनेजमेंट में, उसको कंट्रोल करना है बाय डेवलपिंग और डॉक्यूमेंटिंग, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके अपन रख सकते हैं। देन ये हो गया DMAIC का। तो DMAIC में और DNDB में, ये DNDB में अपन हटा देंगे इम्प्रूव एंड कंट्रोल, और डिजाइन और वेरीफाई एड करेंगे और ऊपर का सब कुछ सेम इसके अंदर आ जाएगा। डिजाइन द प्रोसेस टू मीट द कस्टमर नीड, प्रोसेस को डिजाइन करेंगे ऐसे कि जो कस्टमर की नीड है उसको इम्प्रूव कर सके। एंड वेरीफाई द डिजाइनिंग परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू मीट कस्टमर्स, मतलब जो डिजाइन में चेंजेस किए गए हैं उनको वेरीफाई करेंगे कि उसमें एबिलिटी है या नहीं कस्टमर से जो नीड है उसको मीट करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। दोस्तों सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, डिफेक्ट नहीं होगा उनके अंदर, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा उनके प्रोडक्ट पर, उनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज होगी। इसलिए इसका यूज किया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट और जो प्रोसेस होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।